मध्य प्रदेश में मॉनसून के मेहरबान होने से बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग ने प्रदेश के 8 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है, जबकि अधिकतर संभागों में हल्की से मध्यम बारिश होने के आसार हैं। राजधानी भोपाल में भारी बारिश होने से तालाब का जलस्तर बढ़ गया, जिससे निचली बस्तियों के घरों में पानी पहुंच रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक इस वक्त प्रदेश में दो वेदर सिस्टम एक्टिव हैं, जिससे प्रदेश में अच्छी बारिश हो रही है। एक सिस्टम बंगाल की खाड़ी में एक्टिव है, तो दूसरा गुजरात के मध्य क्षेत्र में सक्रिय है, जिससे प्रदेश में मॉनसून पूरी तरह से एक्टिव है। वहीं समुद्री बादलों का डेरा भी मध्य प्रदेश में बना हुआ है, जिससे कई जगहों पर जोरदार बारिश होने की संभावना है। इस दौरान मौसम विभाग ने लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है। उड़ीसा के ऊपर में एक कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है और मानसून द्रोणिका लाइन बीकानेर, सीकर, शिवपुरी, सतना, पेंड्रा रोड होते हुए बंगाल की खाड़ी तक जा रही है। तो उम्मीद करता है कि दो से तीन दिन के बाद जब ये लो प्रेशर एरिया का जो असर है वो हमारे मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगा और इसके कारण अच्छी बारिश हो सकती है।